गोहाना के रामनगर में एक महिला ने पंखे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक कोमल हिसार जिले की रहने वाली थी और गोहाना के रामनगर के रहने वाले राहुल के साथ उसकी शादी हुई थी। महिला को अभी तक कोई बच्चा नहीं था। मृतक महिला के परिजनों ने महिला के ससुराल वालों पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। मृतक महिला के भाई मुनीश ने बताया कि उसकी बहन कोमल की शादी 2019 में राहुल के साथ हुई थी। उसकी बहन को उसके ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए तंग करते आ रहे थे और अभी तक कोई बच्चा भी नहीं था। रोज रोज के तानों से तंग आकर उसकी बहन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण जी यही था जी, दहेज के प्रति मांग थी और जो पैसा कमाता था, किसी उसका अफेयर चल रहा था, उसमें जो पैसा कमाता था उस लड़की को देता था और बहन मेरी उससे बहुत परेशान थी जी। किस जगह के रहने वाले हो? मैं जी काकसर का जी, गाँव जिला हिसार। और सिस्टर कहाँ पे ब्याह रखी है आपने? गोहाना में, रामनगर में। जो है जीजा का नाम क्या आपके? राहुल जी। तो ये आपको कैसे पता चला कि किसी और से अफेयर चल रहा है? वो सबको पता है जी, अड़ोसी पड़ोसी को सबको पता है, कोई भी बता दे। आए भी थे जी दो बार। सबको पता है जी इस बात का। दो बार पहले आए भी तो पता होते हो भी ये सब हो रहा था। तो कमरे में क्या देखा फिर? कमरे में गया तो मेरी बहन फांसी पे लटकी हुई। कल थाने में सूचना मिली थी, एक कोमल नाम की औरत ने रामनगर मोहम्मदपुर रोड गुहाना में अपने मकान में फांसी लगा रखी है। तो इस संबंध में हम मौके पर पूछे, वहाँ देखा तो फांसी पे लटकी हुई थी। वारसान का इंतजार किया, वहाँ वारसान आने से उतारा, तलाशी वगैरह ली। उसके बाद मृतका के भाई मुनीश ने अपना एक लिखित दरखास्त दी कार्रवाई के लिए। अब मेरी बहन को ज़्यादा दान दहेज मांगते थे, जिससे तंग आकर आत्महत्या किए। जिस संबंध में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पति राहुल और जेठ आज़ाद और देवर आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आज पोस्टमार्टम करा के बोडीगा वाले वारसा। बच्चे भी बच्चे नहीं थे इसके, बच्चे नहीं थे कोई भी। 2019 में शादी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर गोहाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों के बयान पर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।